यादव खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें, साथ ही महामहिम ने परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। इससे पहले वह आज सुबह 10:50 पर विधानसभा परिसर पहुंचे। उन्हें मंच पर पहुंचते ही राष्ट्र धुन बजाई गई, जिसके बाद उन्होंने 11:12 पर प्रज्वलित किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा, मुख्यमंत्री जी जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे तो मैं अंदर से हृदय से गदगद महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा वह गदगद इसलिए महसूस कर रहे थे क्योंकि वह देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और इससे बिहार की धरती के राज्यपाल बनकर गए। बाद में वह राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे मिला और सचमुच में जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, राष्ट्रपति महोदय ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के मौके पर हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामनाथ कोविंद जी का रिश्ता बिहार से खास रहा है। राष्ट्रपति जी 2 साल तक यहाँ राज्यपाल रहे, हमारे लिए गर्व की बात है। यहाँ की 2 वर्षों तक राज्यपाल रहते हुए सीधे राष्ट्रपति बने। हम इन्हें बिहारी भी कहते हैं क्योंकि हमारा इनसे हमारा संबंध बहुत ही मधुर है। राष्ट्रपति महोदय जी, आपसे हमारा संबंध इतना मधुर है कि हम अक्सर कहते हैं असली बिहारी आप ही हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विश्व शांति स्तूप के उद्घाटन में 2019 अक्टूबर भी आए थे। नीतीश कुमार ने कहा, 22 मार्च 2009 से बिहार दिवस के रूप में हम लोगों ने कार्यक्रम मनाना शुरू किया। 2012 में बिहार के 100 साल पूरे होने के बाद जो कार्यक्रम हुआ था वह बहुत शानदार था और इसके लिए बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति स्वर्गीय ताराकांत झा जी ने जो मेहनत किया था उसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। सीएम ने कहा, हम लोग इस तरह के कार्यक्रमों को करते रहेंगे। अब तो अगली दफा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस तरह के कार्यक्रम में बुलाने की योजना है। फिलहाल की खबरों के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।